पारा लेक सकरदू इस वक्त मैं मौजूद हूँ। पारा के नाम से जब नाम आता है तो सबसे पहले हमारे माइंड में अली सतपारा का नाम ही आता है। इस वक्त मैं कटपाना डेजर्ट में मौजूद हूँ और अब वो साइड देख रहे हैं, उसकी बैक साइड पे सकरदू एयरपोर्ट है। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से। आप पीछे देख सकते हैं सतपारा लेक सकरदू इस वक्त मैं मौजूद हूँ और जब आप देवसाई का विज़िट करके सकरदू की तरफ वापस शहर की तरफ जाते हैं तो ये आपके लेफ़्ट साइड पे आपको मिलेगी। ये देखिए आप मेरे लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं, ये सारी बहुत ही खूबसूरत झील है सतपारा लेक। और आगे ही गांव है अली सतपारा, जो आपने जो केटू में उनकी वफात हो गई थी, तो इधर उनका गांव भी बिल्कुल साथ है, तो उधर के भी लोगों से मैं मिला हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल रास्ते में, बिल्कुल जब आप देवसाई का विज़िट करके आप सकरदू की तरफ जाएंगे तो आपको ये झील मिलेगी और बहुत ही खूबसूरत है। इधर भी आप रुके विज़िट करें, ठीक है, इधर पिक्चर वगैरह इधर आप ले, माशाल्लाह बहुत ही आपको मज़ा आएगा इस जगह पे, इस पॉइंट पे, और बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है। मैं आपको भी ड्रोन से भी कवरेज इसकी करके दिखाता हूँ। ये आप मेरे पीछे बोर्ड भी देख सकते हैं अली सतपारा। हम तो सीधी सी बात है कि सतपारा के नाम से जब नाम आता है तो सबसे पहले हमारे माइंड में अली सतपारा का नाम ही आता है। चलिए मैं इधर अपना सतपारा लेक का व्लॉग एंड करता हूँ। आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं किसी अच्छी सी खूबसूरत से बेहतरीन से पॉइंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं कटपाना डेजर्ट में मौजूद हूँ और मेरे आप उस साइड पे देख सकते हैं कटपाना लेक है और आप वो साइड देख रहे हैं, उसकी बैक साइड पे सकरदू एयरपोर्ट है। ये आप नीचे मेरी तरफ इधर देखेंगे कटपाना लेक आ जाएगी और जबकि इधर डेजर्ट है, इसको भी कटपाना डेजर्ट कहते हैं। ये भी सकरदू से कुछ मीलों के फासले पे है, मतलब सकरदू शहर से आप कोई 30 से 40 मिनट का डिस्टेंस है, जिसके बाद आप इस जगह पे आ जाएंगे। आप मेरे इस साइड पे देख सकते हैं कि इधर होटल भी मौजूद है, जो जिनमें डिफरेंट टाइप के होटल्स हैं, यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं, क्योंकि इधर व्यू इतना खूबसूरत है कि आप बहुत इंजॉय करेंगे। ये आपको आप देख सकते हैं मेरे इस साइड पे बाहर। बस आपको छोटा सा ये पॉइंट दिखाने का मकसद ये था कि कल को आप सकरदू जब भी आए, कोई इतना टाइम नहीं लगता, बिल्कुल सकरदू के पास ये मौजूद है,
लेकिन आप तस्वीर वीडियोस वगैरह आपकी अच्छी भी आएगी और खूबसूरत भी आएगी और आपके लिए बड़ी अच्छी एंटरटेनमेंट बन जाएगी। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे देखें वो सामने कड़पाना लेक। आप ये व्यू देखें, लाजमी इधर आए, 10 मिनट के लिए आए, 15 मिनट के लिए आए, लेकिन ये विज़िट लाजमी करें। ये कटपाना लेक, फिर से बोलूँगा कि सकरदू से 30 से 40 मिनट के डिस्टेंस में मौजूद है और इसका रास्ता भी हर गाड़ी के लिए बेहतर है और आसानी से आप इधर अप्रोच कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त कटपाना लेक और डेजर्ट में मौजूद हूँ जहाँ पे मुझे ड्रोन की रिस्ट्रिक्शन आ गई है कि आप ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते। पहले भी मैसेज आया था लेकिन लास्ट मैसेज उन्होंने मुझे ये दिया कि सकरदू बिल्कुल एयरपोर्ट इधर से बिल्कुल नज़दीक है इसकी, तो इधर ड्रोन नहीं फ्लाई कर सकता, चले किसी दूसरी पॉइंट पे जाके ड्रोन फ्लाई करते हैं। थैंक यू।